तो दोस्तों अगर आप सेफेस्ट हैचबैक खोज रहे हो वो भी प्रीमियम फीचर्स के साथ, तो ये रही आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है न्यू टाटा अल्टो एग्जेट 2024, इसी का ही आज रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स ऑन रोड प्राइसिंग साथ साथ कि भाई हमें ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर बता दूं तो इंडिया में जितनी भी हैचबैक आती हैं, नॉर्मल हैचबैक की बात करूं या फिर प्रीमियम हैचबैक की बात करूं, तो भाई सेफ्टी का रिक्वायरमेंट एक ही कंपनी ज़्यादा दे पाती है, वो है आपके लिए टाटा। क्योंकि नॉर्मल हैचबैक में जाओगे तो टियागो की सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वहीं पे अगर आप प्रीमियम हैचबैक जाओगे तो ये एल्टोज की सेफ्टी रेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। क्योंकि भाई क्रेस्टेस रेटिंग में दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, और एल्टोज की तो बात ही छोड़ दी भाई, इसने तो काफ़ी धुआंधार परफॉर्म किया था। वहीं पर अगर इसकी राइवल्स की बात करें तो i20 और बलेनो, ये दो सबसे बड़ी इसकी राइवल्स हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ इन दोनों की गाड़ियों की, तो इन दोनों का ही i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट और जेटा वेरिएंट आपको बलेनो का देखने को मिल जाता है, इसी प्राइस ब्रैकेट में आ जाता है। 19-20 का अंतर होगा प्राइस में, लेकिन दोनों ही गाड़ियों के कुछ फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ बेहतर फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उनमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन पहले बात करूँ कि ये गाड़ी उनसे बेहतर क्यों है। पर्सनली अगर बताओ इस गाड़ी में उनसे बेहतर क्या चीज़ मिलती है, वो पहली चीज़ मुझे लगती है लुक्स। भाई इसकी लुक्स आप देखो, एकदम जब ध्यान से देखो तो लगेगा कि भाई इस बजट में इतना खतरनाक लुक देने वाला अभी तक कोई गाड़ी नहीं। बलेनो की लुक देख लिए या फिर आप i20 की लुक देख लिए, दोनों ही के लुक को इससे मैच करिए, इसकी लुक्स में जो कर्व मिलेगा, जो आपको पोटेंशियल मिलेगा ना, वो इन दोनों ही गाड़ियों में नहीं देखने को मिलता है। जबकि इस लुक्स जो होता है वो सब्जेक्टली होता है, लेकिन मुझे तो पर्सनली इसका लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके लुक्स को डिजाइन ही किया गया है इसकी हैंडलिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि इसकी गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग इसकी काफ़ी बेहतरीन है, दोनों ही गाड़ियों में सेगमेंट में देखा जाए सबसे बेहतर हैंडलिंग गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। हाई से हाई स्पीड पे गाड़ी स्टेबल रहती है। अगर आप हाईवे पे ज़्यादा आपका चलना रहता है, हाईवे पे आपका ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस गाड़ी को भाई उठा लो, इतने बजट में इससे बेहतर गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। गजब की स्टेबिलिटी है हाईवे पे दिखाती है। दूसरी चीज़ है, इसमें आपको डायमंड कट अलॉयज देखने को मिलता है इस वेरियंट पे, जबकि i20 में आपको देखने को नहीं मिलता, बलेनो में आपको देखने को मिल जाता है। तीसरी चीज़ अगर बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है, जबकि i20 में आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को नहीं मिलता है स्पोर्ट्स वेरियंट में अगर तुलना किया जाए तो। वहीं पे बात करूँ तो इसकी जो स्पेस की बात करो ना, तो कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, सीट की कुशनिंग भी अच्छी मिलती है, रिक्लाइंग एंगल वगैरह भी सही मिलता है, और बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। हार लॉन्ग जर्नी पे भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, तीन लोग तो नहीं बैठा सकते बहुत अच्छे से, लेकिन ये है कि हाँ दो लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठ के जाएंगे, और कुशनिंग की वजह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिलता है इसके सीट का। तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कुछ ऐसे फीचर्स है, क्रूज कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है, बलेनो में आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर बात को लुक्स वगैरह तो अच्छे मिल ही जाते हैं, प्रीमियम फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो नॉर्मल सभी गाड़ियों में मिलते हैं, ज़रा चेंज नहीं है। ड्राइविंग मूड वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि इन दोनों ही गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस गाड़ी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं जो इनके राइवल्स आपको ऑफर करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है वो है यार 6 एयरबैग, जबकि दोनों ही गाड़ी ऑफर करती हैं, बलेनो और आपको i20, दोनों ही गाड़ियाँ 6 एयरबैग आपको ऑफर करती हैं, जबकि इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, अभी भी 2 एयरबैग मिलता है। भविष्य में टाटा इसमें 6 एयरबैग का ऑप्शन लाने वाला है, तो इसकी चिंता करने वाली बात नहीं है, भविष्य में इसमें भी आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ही टाटा काम करता है, तो भविष्य में इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन। देखो यार दोनों ही गाड़ियाँ अगर सेगमेंट में इसके राइवल्स की बात करें तो 4 सिलेंडर इंजन आपको प्रोवाइड करती हैं, जबकि इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि टाटा को इसमें जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से 4 सिलेंडर इंजन का इंतजाम करना चाहिए, ताकि इसको भी एक प्रीमियम वाला फीचर्स मिल जाए। क्योंकि इंजन भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रीमियम रोल निभाता है अगर आपकी गाड़ी प्रीमियम हैचबैक में आती है तो। अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको 9,80,000 रुपये में ऑन रोड आरकेएल मोटर गोरखपुर यूपी पे देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में शोरूम के रिगार्डिंग सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जा करके आप चेक कर सकते हो। अब चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, जो जो फीचर्स मिलते हैं सारे फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डोर पे ही आप देखोगे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है इसका डोर कितना ज़्यादा वाइड ओपन होता है, आप देख सकते हो कितना वाइड ओपन हो रहा था, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है एल्ट्रोस का। खैर इसमें फीचर्स ही आता है 90 डिग्री का, तो खैर बात ही अलग है। ग्लास एरिया भी आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, क्वालिटी भी ठीक है प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो ओआरएम के सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर होल्डर्स स्पीकर वगैरह मिलता है। कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है डुअल टोन में टाटा अल्टोज एक्सेट 2024 का, शानदार आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। हाइट एडजस्टमेंट मैनुअली मिलता है, सीट एडजस्टमेंट भी आपको, इंजन स्टार्ट का बटन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप लॉक का और हेडलैम्प लेवलर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं
क्या क्या चीजें इस गाड़ी में देखने को मिलती हैं। ये है भाई एल्ट्रोज, इस गाड़ी का एक अलग लेवल का पर्सनालिटी बोल सकते हैं या फिर इस गाड़ी का क्रेज बोल सकते हैं भाई। इतनी गजब हैंडलिंग देती है, बैठने के बाद जो फील आता ना धब वाला, वो रियली में आपको खुश कर देता है, क्योंकि इस बजट में आपको इस लेवल का क्वालिटी, इस लेवल की बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, दिल खुश कर देता है। वो भी हैंडलिंग इस गाड़ी की कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो इंटीरियर वगैरह काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी का। सबसे पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। देखो लेदर ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता है, माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर भी सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले ऑन किया जाए उसके बाद बात की जाए। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिल जाता है। देखिए एनालॉग में मिलता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है इससे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है कि कम से कम एनालॉग में फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आ जाती है। MID आपको काफ़ी बड़े साइज़ की मिल जाती है तो सही है। फुल इन्फॉर्मेशन देखिए फुल आपको देती है, एनालॉग होने के बावजूद आपको फुल इन्फॉर्मेशन देती है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हो वही पुराना वाला है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाए, हो सकता है अब इसमें टाटा एल्ट्रोज का कोई फेसलिफ्ट आए तो उसमें टाटा चेंज करे, क्योंकि टाटा अपनी सभी गाड़ियों को अपडेट कर चुका है सिवाय इस गाड़ी को और टियागो को, तो जल्दी अपडेट हो सकता हो। फिलहाल अगर बात करें तो वही 7 इंच का मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो, ये सारी चीज़ें आप सपोर्ट करता है, बाकी सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हजार लैंप का कंट्रोल बीच में मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इधर आएंगे तो एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे सी टाइप भी आपको 5 वोल्ट का मिल जाता है, USB मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट सब मिलता ही मिलता है, फ़ोन वगैरह रखने के लिए अच्छा खासा जगह मिल जाता है, गियर नॉब्स आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी बॉटल वगैरह आप रख सकते हो, जगह इतनी मिल जाती है। बाकी आमरेस्ट की बात करें तो स्लाइडर मिल जाता है, आगे पीछे आप इसको कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, तो ये चीज़ सही मिलता है। फैब्रिक में ही आपको सीट मिल जाती है, इस वेरिएंट में आपको फैब्रिक में ही सीट मिलती है, लेकिन कंफर्ट अच्छा है भाई, सिडान लेवल का कंफर्ट है भाई, प्रीमियम हैचबैक है, जाहिर सी बात है कंफर्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ग्लव बॉक्स बड़े साइज का भाई, देख रहे हो कितने बड़े साइज का मिल रहा है, बड़े साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, प्राइस ब्रैकेट हिसाब से सही है। कोई वैंटी व्हीलर यहाँ नहीं मिलता है, रीडिंग लैंप आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे यहाँ माइक मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको वैंटी व्हीलर देखने को मिलता है, IRBNs आपको मैनुअल ही देखने को मिलते हैं। बाकी देखा जाए तो गाड़ी सारी चीज़ें सही मिल जाती है, कंफर्ट लेवल भी काफ़ी सही मिलता है। आप इसका हेडरूम चेक कर लो, हेडरेस्ट एकदम काम का, एकदम सही है भाई, हेडरूम भी ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, तो ये चीज़ मुझे सही लगा है कि ये वेरियंट भी काफ़ी सही लगता है, वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, हर एक चीज़ बेहतर आपको मिल जाती है। चलिए अब इस गाड़ी के सेकेंड रो की सीट पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जब इस गाड़ी में बैठोगे ना तो आप काफ़ी नीचे नीचे बैठते हो, तो अच्छी बात है भाई, नीचे जितना बैठोगे कंफर्ट उतना ज़्यादा बेहतर होगा। डायमेंशनली बात करें तो लेंथ मिल जाती है 3990mm की, विथ मिलती है 1755mm की, हाइट मिलती है 1523mm की, व्हील बेस की बात करें 2501mm का व्हील बेस भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो अपने हिसाब से सही है भाई। व्हीलाज भी अच्छा मिलता है, सस्पेंशन भी तगड़े वाले मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें तो 185/60R 16 इंच के आपको डायमंड कट के अलावा व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ठीक ही मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। इंडिकेटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरबीएनस आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। साइड से गाड़ी देखने में काफ़ी सही है, ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ब्लू कलर देखो कितना शानदार लग रहा है ना, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इस गाड़ी के सेकंड रो की सीट पे चलते हैं, डोर भी काफ़ी 90 डिग्री पे ओपन होता है, देख रहे हो कितना गजब का है, ये फीचर अच्छी चीज़ है। क्लास एरिया बड़ा मिलता है, क्वालिटी भी ठीक है, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। लॉक अनलॉक विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है, वाटर होल्डर, स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में मिलती हैं। अल्ट्रोज की जो सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी है वो यही है कि भाई इस गाड़ी की लेग रूम बहुत शानदार है, ये सीट मैंने पूरी पीछे की है, देखो देख रहो क्या गजब का लेग रूम, थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है, प्रीमियम हैचबैक है तो यार फुल प्रीमियम वाला कंफर्ट तो आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल कंसोल में रियर एसी वेंट्स मिल जाता है, एक सी आपको USB मिल जाता है, यहाँ पे देखिए USB आपको देखने को मिल जाता है। सीट में आपको थाई सपोर्ट ठीक मिलता है, बहुत बेटर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। फैब्रिक में सीट मिल जाती है, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के साथ आता है, देखिए कोई कप होल्डर आर्मरेस्ट में नहीं मिलते लेकिन आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट ही बहुत है मुझे ऐसा लगता है। कप होल्डर का यूज़ कितने लोग करते हैं वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आर्मरेस्ट का कप होल्डर कितने लोग यूज़ करते हैं। ग्रैब हैंडल्स यहाँ भी मिल जाता है और हुक भी आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है। टाटा अल्ट्रोज टॉप मॉडल 2024 का शानदार आपको इंटीरियर भी देखने को मिल जाता है। हेडरेस्ट की बात करें तो आइए दिखाता हूँ हेडरेस्ट कैसा है इसका,
हेडर्स देखिए एकदम काम का भाई, जैसे बैठोगे वैसे ही आपको सिर को कंफर्ट दे देगा। हेडरूम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े ऊंचे हो 7-8 फीट के तो भाई दिक्कत हो गए, बाकी और लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से बैठो नॉर्मल लोग तो सब चीज़ सही है। चलते हैं बूट वगैरह चेक करते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। कुछ भी कहो, कुशनिंग लेवल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस गाड़ी की। कुशन काफ़ी अच्छा है, बैठने में कंफर्ट अच्छा मिल जाता है इसके सेकेंड ओके सीट पे। पीछे की बात करो तो पीछे से गाड़ी लुक वाइज बहुत ज़्यादा धांसू लगती है, देखने में कितना शानदार लग रहा है। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीमियम कलर लग रहा है इस गाड़ी पे, काफ़ी ज़्यादा मैच भी कर रहा है, देख रहे हो पीछे से तो अच्छी चीज़ है। पियानो ब्लैक फिनिश का इसमें यूज़ ज़्यादा किया है टाटा ने। बॉडी कलर में ही बम्पर आपको देखने को मिल जाता है, पूरा बम्पर। पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह। टेल लैंप आपको हैलोजन बेस ही मिलता है, रियर फॉग लैंप वगैरह मिल जाता है, एल्ट्रोज की बैजिंग मिल जाती है, कैमरा मिल जाता है, टाटा का लोगो, रियर वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, अपने हिसाब से काफ़ी सही लगती है गाड़ी, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। पीछे से भी काफ़ी प्रीमियम एहसास ये गाड़ी आपको देती है, सही है भाई, सेगमेंट के हिसाब से सही है। देखो साइड से इस गाड़ी का प्रोफाइल देखो कितना ज़्यादा सही लगता है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, जो सही है अपने हिसाब से भाई। देखो ये देखो, अच्छा अलाविल्स वगैरह की जो डिज़ाइन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्रोम का यूज जो भी किया जाता है इस गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा खिल करके आता है, देख रहे हो फ्रंट की लुक कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है, देखने में कितना प्रीमियम डिज़ाइन लग रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर अब तो इसमें आपको CNG सिलेंडर भी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बूट स्पेस भी आपको देखने को मिल जाता है सिलेंडर के साथ साथ। फ्रंट की डिज़ाइन की अगर बात करें, फ्रंट में आप देखोगे तो लोअर ग्रिल काफ़ी सही मिल जाता है, फॉग लैंप भी मिल जाता है और DRS मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, हैलोजन बेस हाई भी मिलता है, इंडिकेटर भी यहीं पे मिल जाता है। का मतलब क्रोम का यूज अच्छे से किया गया है, देखा जाए तो टाटा का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश आपको ऊपर देखने को मिलता है, जो देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। साइड से देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, देख रहे हो लुक वाइज कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, मतलब लग रहा है कि भाई कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। मतलब डिज़ाइन कितना ज़्यादा कर्वी टाटा देता ना इस गाड़ी को कि मुझे लगता है कि हवा चीरते हुए निकलती होगी। इंजन ऑप्शन की बात करें तो वैसे इस गाड़ी में दो आपको इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पेट्रोल डीजल, और यहाँ तक का आपको DCA गेयरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस गाड़ी की बात करें तो ये तो पेट्रोल इंजन है, वही 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड वाली जो आपको 86 PS की पावर देती है, 150 Nm टॉर्क। माइलेज की बात करें तो कंपनी अप्रॉक्स आपको ARAI 19.1 KMPL का क्लेम करती है, जो सेगमेंट के हिसाब से सही माइलेज है, मतलब जो सेगमेंट में देती है उनसे तो सही है, काफ़ी i20 से काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल करके दे देती है। तो दोस्तों ये रहा टाटा एल्टोज एग्जेट 2024 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।